और सब कैसा है? आई रेडियो के सब बढ़िया हो। मैं आपका दोस्त आकाश राठौर। मैं यूएस पहुंच चुका हूं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हमेशा यहां पे लेके आता हूं। तो सोचा आज के वीडियो में आपको दिखाता हूं कि 30 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको हमेशा जब भी आप आएँ, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो यूएस ज़रूर लेके आएँ। ये आपको बहुत काम आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहली चीज़ है ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो पासपोर्ट वगैरह तो आपको पता ही है, पर अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो अंडरग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आ रहे हैं तो अपना जो वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का लेटर है वो, या फिर बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो उसके पहले जितनी भी आपकी स्टडीज हैं सभी की ट्रांसक्रिप्ट्स और रिजल्ट्स जो हैं वो सभी लेके आएँ। साथ ही साथ यूएस में पासपोर्ट साइज फोटोज बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटोज लाना नहीं भूलें, वरना $8 की 3 फोटोज या 4 फोटोज जब आप खरीदेंगे तब आपको असली दुख होगा कि इतनी महंगी पासपोर्ट साइज फोटोज है। तो पासपोर्ट साइज फोटोज और डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं क्लोथिंग। क्लोथिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एथनिक वेयर्स। एथनिक वेयर आना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, आप बिल्कुल खरीदना नहीं चाहेंगे क्योंकि क्वालिटी भी बहुत खराब है। तो इंडिया में एथनिक वेयर अच्छे मिलते हैं तो डेफिनेटली लेके आए। और इंपॉर्टेंट है फॉर्मल वेयर्स। फॉर्मल वेयर्स लाना नहीं भूलें, फॉर्मल शूज, एक फॉर्मल पूरी ड्रेस, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में आपको बहुत काम आएंगी, तो इसलिए फॉर्मल वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेमी फॉर्मल शूज भी आप ला सकते हैं। स्पोर्ट्स वेयर शूज आप नहीं लेके आए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे शूज जो है वो काफी सस्ता है और अच्छी ब्रांड्स के शूज आपको मिल जाएंगे। 2 या 3 पेयर ऑफ जीन्स लेके आए। अंडरवेयर्स की बात करें तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना कि हम कपड़े यूएस में 7 दिन के बाद धोते हैं, यूजुअली संडे टू संडे, तो 7 पेयर ऑफ अंडरपैंट्स अंडरवेयर ज़रूर लेके आएँ। कहीं कहीं आप अगर बिजी हैं असाइनमेंट्स में और लॉन्ड्री नहीं कर पाए तो आपको और ज़्यादा अंडरवेयर रिक्वायर्ड होंगी, तो पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। 15 पेयर ऑफ अंडरपैंट्स इज आइडियल, तो 7 इज मस्ट, 10 इज गुड इनफ, बट 15 इज आइडियल। तो उतने अंडरवेयर अपने ज़रूर लेके आएँ। विंटर वेयर्स इंडिया से लाने की गलती नहीं करें, आसपास आप माहौल देख ही रहे हैं, इतनी ठंड को सहन करने के लिए यहीं की जैकेट और ग्लव्स और टोपी वगैरह जो भी वो आपको यहीं पे मिलेगा, सब कुछ बूट्स एंड ऑल सब खरीदना पड़ेगा, इतनी बर्फ है आसपास, तो वहाँ का जो सामान है वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। अपने ब्लैंकेट्स, पिलो कवर और बेडशीट्स वगैरह भी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि इनिशियल डेज में आपको बहुत काम आएगा, वैसे यहाँ पे मिलता है बट फिर भी इंडिया में सस्ता है तो क्यों नहीं लेके आएंगे। अब बात करते हैं यूटेंसिल्स की। यूटेंसिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूटेंसिल जो है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के बिना आपका काम नहीं चलेगा। खिचड़ी बनाएंगे, राइस से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाएंगे, बहुत हैंडी है, बहुत काम में आने वाला है, तो प्रेशर कुकर ज़रूर लेके आएँ। अगर रोटी खाना प्रेफर करते हैं तो रोटी का सामान ज़रूर लेके आएँ, जैसे कि तवा, बेलन या चकला, जो भी आप बोलते हैं वो सभी चीज़ें, क्योंकि उनके बिना रोटी ऑफकोर्स नहीं बनेगी, तो ज़रूरी है। साथ ही साथ बेसिक सब्जी जो बनाने के लिए, दाल वगैरह बनाने के लिए, कढ़ाई और सर्विंग स्पून जरूर लेके आएँ। प्लेट, कटोरी और चम्मच, बेसिक जो फोक है आपकी, एक आदमी की एटलीस्ट आप लेके आएँ, 2 की लाएंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह होंगे। कुकर का जो मैंने बताया, प्रेशर कुकर, वो भी 2 या 3 लोगों की जो कैपेसिटी है उतना ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे और डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा, तो वो ज़रूर काम में आने वाला है। इडली मोल्ड अगर आप ला सकते हैं तो लेके आएँ, चाहे आपको पसंद नहीं हो इडली फिर भी लेके आ जाएँ, क्योंकि इडली का जो बैटर है उसकी बढ़िया बात यह है कि वो काफ़ी दिनों तक चलता है, तो जब आप बहुत बिजी होंगे तो इडली वाटर बना के रखें और इडली मोल्ड तब आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि फटाफट इडली बन जाएगी और आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, तो इडली मोल्ड भी ला सकते हैं। चाय लवर हैं तो टी स्ट्रेनर, चाय की पत्ती और थोड़ी शुगर अगर लेते हैं तो वो लाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बहुत काम आएगा। इनिशियली फर्स्ट 2-3 दिन में बाहर नहीं जा पाएंगे अगर, तो ये चीज़ें बहुत मस्ट हैं एकदम। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स ज़रूर लेके आएँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको स्विमिंग की, बाहर खेलने की, आउटडोर स्पोर्ट्स की, तो चश्मे जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा 4 या 5 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स लेके आता हूँ। इंडिया में फील नहीं होता है पर यहाँ पे सनग्लासेस बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप कार ड्राइव करेंगे, इनिशियली हो सकता है कि आप ड्राइव नहीं करें, पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो सनग्लासेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो अगर आपको नंबर वाला चश्मा है तो नंबर वाले सनग्लासेस लाना नहीं भूलें। लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करें, ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर मेडिसिन यहाँ पे मिलती हैं पर उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ पे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन या अदर जो टैबलेट्स आप खाते हैं, वो जो बेसिक टैबलेट्स हैं वो ज़रूर लेके आएँ, बुखार वगैरह की वो काम में आएंगे आपको, सीनारेस्ट जैसे कि एक टैबलेट है, तो इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ बेसिक एंटीसेप्टिक जैसे कि डेटॉल या फिर मूव, झंडू बाम, जो भी आप यूज़ करें, क्योंकि स्प्रेन वगैरह होगा कभी ना कभी तो वो डेफिनेटली आपको काम में आएगा। कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली लेके आएँ, एंटीसेप्टिक, बोरोप्लस या ऐसी कोई चीज़ जो इंडिया में मिलती है, यहाँ पे भी मिल जाएगी, पर क्योंकि ऑफकोर्स हम आ रहे हैं तो क्यों ना हम एक्सपेंसिस बचाएं। जनरल एटिकेट्स की चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेल कटर, शेविंग किट, टूथपेस्ट, टूथब्रश,
ये चीज़ें भी लेके आएँ। इनिशियल डेज में एटलीस्ट आपको बहुत काम में आएगा, बाद में हो सकता है आप यहीं से खरीद लें, बट हाँ इनिशियली बहुत ज़रूरी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन की बात करें तो लैपटॉप अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा है तो आप लेके आ सकते हैं, बट अगर नहीं है तो वहाँ से परचेस करके खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लैपटॉप आपको ऑलमोस्ट 60% या इवन 50% की प्राइसेस में मिल जाएंगे। अच्छे लैपटॉप्स आधी कीमत से लगभग आपको मिलेगा, सो लैपटॉप खरीद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन की बात करें तो रेडमी, ओप्पो, वीवो इस तरह के जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ काम नहीं करेंगे। जब मैं पहली बार आया था तो मैं MI का फ़ोन लेके आ गया था और वो नहीं चला यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ जो है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है US में, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। अगर आप लेके आना चाहते हैं तो एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला या हुआवे भी शायद यहाँ पे चल जाएगा। तो उस तरह के जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीद के लेके आएँ तो वो आपको डेफिनेटली काम में आने वाले हैं, या फिर फोन आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर लाने की जरूरत नहीं है, और ऑनलाइन जब लिस्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आएँ, और मैं लेके आया था पर वो मुझे बिल्कुल काम में नहीं आया। स्पेशली यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्राइस ऑलरेडी $8 ही है, तो अगर आपको काम पड़ता भी है तो $8 इज प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू आवर इंडियन करेंसी, तो वो स्पेसिफिकली आपको उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर बैंक इज अ मस्ट, पावर बैंक बहुत जरूरी है। यहाँ के जो पावर बैंक है US में उतने पावरफुल नहीं मिलते हैं, हमारे यहाँ पे जनरली पावर बैंक सस्ता है प्लस ज़्यादा कैपेसिटी वाला आपको मिल जाएगा, तो वो ज़रूर लेके आए। स्पाइसेस की बात करते हैं तो हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला जो बेसिक स्पाइसेस हैं या खड़े मसाले वो ज़रूर लेके आए। इनिशियली अगर वेदर ख़राब है या आप नहीं जा पाए तो भी आपके पास कुछ दिनों के सर्वाइवल के लिए स्पाइसेस तो होना ही चाहिए, एंड आई वुड से कि ज़्यादा दिन के लिए लेके आए अगर आपके पास स्पेस है तो। स्पाइसेस से आप भर लें अपना बैग, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव है प्लस अच्छे नहीं मिलेंगे। घर की बनी चीज़ें जैसे कि लड्डू, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आप बहुत दूर हैं घर से तो ज़रूर लेके आए, अच्छा लगेगा। जब आप अकेले होंगे यहाँ आएंगे और माँ के हाथ का बना कुछ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो लड्डू या सेम या नमकीन, जो भी आपके एरिया में पॉपुलर है घर की चीज़ें स्पेशली, वो ज़रूर लेके आए। इनिशियल डे सर्वाइव करने के लिए मैगी पैकेट्स, दलिया पैकेट, सूप के पैकेट्स, थोड़ा दाल या चावल बेसिक, जिससे आप थोड़े दिन अपने निकाल पाएं जब तक आप फेमिलियर हो एरिया से, वो चीज़ें ज़रूर लेके आएँ ताकि आपको आते से ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो सर्वाइवल की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हेयरकट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इंडिया से हेयरकट आते समय ज़रूर लेके आ जाएं, ताकि वो इनिशियल आपका जो कन्वर्जन आप करेंगे कि $15 मतलब इतने का हेयरकट, वो सारा जो आपका इनिशियल टाइम है वो निकल जाएगा अच्छे से। तो हेयरकट डेफिनेटली लेके आएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ये सभी वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर लेके आएँ अगर आप US ट्रैवल कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।